मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानते हैं मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए दिसंबर शुरू होते ही कौन सा नया खेल शुरू होने वाला है। आप भैया महाभाग्यशाली राशि रहोगे दिसंबर के महीने में, क्योंकि आपके लिए ग्रहों का जो खेल है बड़ा प्रचंड रूप से जबरदस्त तरीके से होने वाला है। तीन चार ग्रह अपने ही राशि में और मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे पहली चीज, शनि देवता जो आपके लग्नेश हैं उनका गोचर यथावत अपने ही राशि में जारी है। राहु तीसरे स्थान में है और केतु आपके भाग्य भाव में है, और इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति ये आपके चौथे भाव में है, और शुक्र देवता जो कि प्रबल कारक आपके कुंडली में हो जाते हैं ये मालव योग बना करके दशम भाव में विराजमान रहेंगे 25 दिसंबर तक। और कमाल की बात यह है कि आपके कुंडली में सूर्य नीचता से बाहर आ चुके हैं, और इसका शुभ प्रभाव आपको ये मिलेगा कि एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं सूर्य देवता, और साथ ही साथ एकादश भाव में मंगल अपनी ही राशि में गोचर करने वाला है इस दिसंबर के महीने में, और पूरा महीना मंगल का गोचर यहां पर रहेगा। तो कहने का मतलब सभी ग्रह अगर देखें तो कोई मित्र राशि में है या स्वराशि में है, बचे बुध देवता जो आपके भाग्य के मालिक हैं ये भाग्य स्थान से चौथे यानी कि 12वें भाव में भ्रमण करेंगे। यह है प्लेनेटरी पोजीशन। अब जानते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले नौकरी करने वालों के विषय में। तो भैया शुक्र दशम स्थान में बैठा हुआ है और गुरु देवता ये आपके चौथे भाव में विराजमान है। दोनों सब सप्तम एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं, एक दूसरे के भाव को के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। मालव योग का लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर नौकरी में प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था तो यहाँ पर प्रमोशन आपका जो है निश्चित तौर पे होने के योग बने हुए हैं, क्योंकि शुक्र निष्ठा से बाहर आ चुके हैं, मालव योग बना करके बैठे हैं। दूसरी चीज, गुरु की भी दशम सप्तम दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पे, तो जब दशम भाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बॉस उच्च अधिकारी का जबरदस्त तरीके से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। सैलरी अगर आप रास्ता देख रहे थे कि कब बढ़ेगी, तो सैलरी इंक्रीमेंट होगी, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर नौकरी नहीं है, प्रयास में लगे रहोगे तो आने वाला यह माह आपकी यह कामना भी पूरी कर देगा, आपको नई नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन, और अगर ट्रांसफर चाहते हो, नौकरी में बदलाव चाहते हो, तो यदि प्रयत्न करोगे तो भैया मन मुताबिक जगह पे प्रमोशन सहित आपका ट्रांसफर हो सकता है, ऐसे जबरदस्त प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो नौकरी करने वालों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज, उन व्यक्तियों के लिए बड़ा सुंदर समय रहेगा जो लोग नया मकान खरीदना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, या फ्लैट प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए सुंदर समय शुरू हो चुका है। वो लोग यदि निवेश करेंगे तो उनका निवेश व्यर्थ नहीं जाएगा, भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा। अगर आपका करियर राजनीति के क्षेत्र में है, पार्लर के क्षेत्र में है, या आप और किसी भी चीज़ के व्यापारी हैं, तो मान के चलो दिन दूने रात चौगुने आपका व्यापार इस दिसंबर के महीने में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, जबरदस्त तरीके से फायदेमंद स्थिति आपके लिए बनी हुई है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, या जो मैं राशिफल बता रहा हूं मकर लग्न और मकर राशि वालों का, ये आप मकर राशि के अनुसार भी देख सकते हो, कंफ्यूज मत होना। मान लिया आपकी मकर लग्न है और राशि कोई और है, तो दोनों का वीडियो देख लीजिएगा, दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। एक में फल बढ़िया बताया गया है, एक में थोड़ा गड़बड़ बताया गया है, तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने वाला है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको लग्न और राशि अपनी कुछ भी नहीं पता है तो भी परेशान मत होइएगा, अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस राशि फल को आप समझ सकते हो।
बात करें स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो लग्न और लग्नेश किसी भी प्रकार से पीड़ित नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के विषय में भी आप महाभाग्यशाली रहोगे, जबरदस्त तरीके से फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, बड़ा सुंदर योग बना हुआ है, यात्रा आप कर सकते हैं, यात्राओं से आपको समुचित मात्रा में लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो मान के चलिए उनसे भी कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी, दुश्मनों का अंत होगा, कोर्ट कचहरी वाद विवाद से कहीं ना कहीं आपको राहत मिलते हुए इस महीने दिखाई पड़ेगी। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, उनके लिए भी गोचर बढ़िया है। मन मुताबिक फल आपको मिलेगा, मन मुताबिक लाभ आप गेन कर पाओगे। अगर कहीं पर निवेश कर रखे हो या करोगे दिसंबर के महीने में, तो पूरा महीना 1 दिसंबर से लगा करके 30 दिसंबर तक जबरदस्त तरीके से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहने वाली है, क्योंकि सूर्य देवता अति विशिष्ट कारक होकर के 11वें भाव में बैठे हैं मित्र के राशि में, और मंगल वहां पर बेशक अस्त रहेगा लेकिन स्वराशि का रहेगा, तो जबरदस्त तरीके से आमदनी आपको सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन करवाने वाला है, धुआंधार पैसा आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात करें अगर प्रेमी जोड़ों की, तो भैया प्रेम के मामले में तो मामला गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छी स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। हो सकता है यदा कदा आपका नोकझोंक अपने प्रेमी से हो जाए, तो इस चीज को आप थोड़ा संभल करके हैंडल करिएगा। और दूसरी चीज, वाणी दोष बहुत ज्यादा मात्रा में इस महीना रहने वाला है, क्योंकि जो कुछ भी गड़बड़ होगा इस महीने दिसंबर के, आपके वाणी के चलते होगा, क्योंकि आप गाली गलौज बकने से बाज नहीं आओगे, और वाणी का अगर दुरुपयोग करोगे तो प्रेम में निश्चित तौर पे अलगाव जैसी स्थिति निश्चित तौर पे बनते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। दूसरी चीज, वाणी के चलते ही परिवार से मतभेद आप कर बैठोगे, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव दिखाई पड़ रहा है वो वाणी को लेकर के दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की यदि बात करें, तो विद्यार्थियों को भैया थोड़ा इस महीना मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, उसके बाद अच्छे फल की आप उम्मीद करिएगा। अगर मेहनत नहीं करोगे, हालांकि विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा पढ़ाई में हो सकता है इस माह मन न लगे, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उपाय करना मस्ट होगा। उपाय क्या करोगे, शुक्र देवता के आप मंत्रों का जप करोगे, शुक्र देवता के मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का यदि जप करोगे निश्चित तौर पे स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी, आपका झुकाव जो है वो पढ़ाई की तरफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हो, तो आमदनी का भाव बड़ा मजबूत है, और साथ ही साथ सेविंग का जो भाव है वो भी बड़ा मजबूत इस महीना रहने वाला है। तो कोई नया काम साइड बिजनेस वगैरह डालना चाहते हो तो आप डालिए, निश्चित तौर पे आपको फल उसका पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, और दीर्घकालीन तक उसका अच्छा प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें, तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर पति पत्नी में कलह चल रहा था तो वह कलह दूर हो जाएगा और खुशियां बरकरार रहने वाली हैं। अगर बात करें कि भाग्य कितना साथ देगा, तो भाग्य अपने स्थान से चौथे बैठे हैं और केतु बैठे हैं भाग्य भाव पे, राहु जहां पे बैठता है उस जगह की हानि करता है, केतु जिस जगह बैठता है उस जगह की वृद्धि करता है। इसका मतलब ये रहा, भाग्य आपका जबरदस्त तरीके से साथ देने वाला है, क्योंकि भाग्य से केतु का संबंध भी 4 दश का है, तो दैवी कृपा आप पर बनी है और आपके कारक प्लेनेट भी आपका फेवर कर रहे हैं। हो सकता है कि मैंने वाणी को लेकर के जो बात बताई है उसके चलते कहीं ना कहीं नौकर चाकरों से इस माह आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। हो सकता है नौकर चाकर बहुत बढ़िया आपका सपोर्ट न कर पाए, इस चीज के लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा, और छोटे भाई बहनों से थोड़ा भैया बना करके रखें। ओवरऑल अगर देखें तो सभी क्षेत्रों में स्थिति अनुकूल नजर आ रही है, एक ही कमी थी वो मैंने बता दिया है, उसको आप संभल करके इस्तेमाल करिएगा। और भविष्य में और इस महीने आपके लिए जो सर्वोत्तम उपाय बन जाता है वो बन जाता है शनि देवता को आप खुश कर ले जाइए, आपके काम और भी प्रचंड रूप से बनते चले जाएंगे। शनिवार शनिवार 4 मुखी दीपक शनि मंदिर में जाकर के जलाओ, और इतना ही यदि आप काम करोगे
तो स्थिति और भी जबरदस्त बनती चली जाएंगी। ओवरऑल समय का सदुपयोग करिए, खुश रहिए। सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, अन्यथा जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।